हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली के अंदर बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपने कई सारी कंपनीज क्रिएट करके रखी हैं टैली में, या आपने एक ही कंपनी क्रिएट की और आप अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं टैली ओपन करूँ और मेरी कंपनी ऑटोमेटिकली टैली में ओपन हो जाए, तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्या करना होता है? ये बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत से लोगों को आती होगी, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं टैली उन्हें ये बातें नहीं पता होंगी। तो मैं आपको बता दूँ, जब आप ऐसे टैली ओपन करते हैं और जो सेटिंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो अगर आपने नहीं की हुई है, तो आप जब टैली ओपन करते होंगे तो आपके सामने इस तरीके का विंडो आता होगा और कंपनी इन्फो लिख के आता होगा। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। देखिए, जैसे मैंने बहुत सारी कंपनीज क्रिएट करके रखी है, अब मुझे जो इसमें सेलेक्ट करनी है वो मैं सेलेक्ट करूँगा ओपन करने के लिए, जिसमें मुझे वर्क करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई एक पार्टिकुलर कंपनी मेरी टैली में जो जिसका आपको ज़्यादा यूज़ होता है मैं टैली ओपन करूँ वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, या आपने एक ही कंपनी क्रिएट करके रखी है और आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ हमें क्या करना होता है। हमें इस तरीके से कॉन्फ़िगर में जाना होता है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर इसके दो ऑप्शंस होते हैं करने के, मैं आपको पहला ऑप्शन दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं सेकंड ऑप्शन दिखाऊंगा किस तरीके से किया जाता है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद हमें ये डाटा कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आपको जाना होगा। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर लोकेशन ऑफ डाटा फाइल, जहाँ पर आपकी फ़ाइल पड़ी है उसका लोकेशन यहाँ पर डालना होगा। ये आपका ऑटोमेटिकली डला भी हुआ होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपने दो तीन जगह लोकेशन बना के रखी है, जैसे मैंने अपने पीसी में जी ड्राइव में भी कुछ मेरी कंपनीज क्रिएट हैं और कुछ सी में है, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर लोकेशन डालना होगा कि किस लोकेशन की आपकी कंपनीज चाहिए आपको। और अगर आपने मतलब एक ही ड्राइव के अंदर सारी लोकेशन मतलब कंपनी क्रिएट करके रखी है, मतलब एक ही लोकेशन है सारी कंपनीज की, तो ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा उसे। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, यस करना है। यस इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी कंपनी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। अगर आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा, अगर मैं अभी यहाँ पर नो कर दूँ तो मेरी कोई भी कंपनी ओपन नहीं होगी ऑटोमेटिकली। मैं जब अपने से सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने भी आपको पीछे दिखाया कि कंपनी इन्फो का विंडो ओपन होगा, सेलेक्ट में जाके मुझे सेलेक्ट करना होगा। अगर मैं यहाँ नो कर देता हूँ तो मेरी कोई भी कंपनी ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होगी, लेकिन यस करूँगा तब मेरी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी कंपनी। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट कंपनी, यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करनी कि कौन सी कंपनी मैं चाहता हूँ कि वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। तो जैसे मैंने कंपनी का कोड होता है, जो भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसका एक कोड होता है, तो ये कोड आपको दिखाई दे रहा है, वो आपको वहाँ पर भी दिखाई देगा जब आप सेलेक्ट करेंगे कंपनी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे विशेष ज्ञान नाम की मैंने कंपनी क्रिएट की है, तो इसका 10004 है कोड। अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से, और ये देखिए फ्रेंड्स मेरी दो जगह कंपनी क्रिएट है, मैंने जैसा आपको बताया कि जी में भी और सी में भी है, तो ये जो लैंग्वेज वगैरह है ये मैंने जी का ही रहने दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन मेरा जो डाटा है वो तभी पिक करेगा जब मैं यहाँ पर लोकेशन सही डालूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर यस करूँ तो ये रीस्टार्ट होगी मेरी टैली, और उसके बाद मेरी वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी कंपनी जिसे मैंने चूज़ किया है। आप देखिएगा रीस्टार्ट होगी कंपनी और ऑटोमेटिकली वो मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप चाहें तो आप अपनी भी टैली में अपनी कंपनी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक बार इसे बंद करता हूँ, मैं वापस से ऑन करता हूँ टैली, आप देखिएगा फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिकली वो इसी कंपनी को पिक करेगी जो विशेष ज्ञान नाम से है, जिसका 10004 है कोड। और उसके बाद मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताऊंगा कि जिससे आप दूसरे प्रोसेस से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं विशेष ज्ञान ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, यहाँ कंपनी इन्फो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, गेटवे ऑफ टैली डायरेक्ट आ गई है। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रोसेस की, कि दूसरे प्रोसेस से आप इसे कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको दूसरे प्रोसेस के लिए करना क्या होगा, जहाँ पर आपकी टैली इंस्टॉल है, जैसे कि मेरी सी ड्राइव में इंस्टॉल है, प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल है, इसमें चले जाएंगे, जहाँ पर टैली का फोल्डर है उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद आप इसमें जैसे पूरे फोल्डर के अंदर आप पहुँच गए, पहुँचने के बाद आपको ये फाइल ओपन करनी है, टैली डॉट आई एन आई, ये फाइल को आपको ओपन करनी होगी। ये नोट पैड में आपकी ओपन होगी, जैसे कि मैंने ओपन करके रखी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा डिफ़ॉल्ट कंपनीज़, नीचे में आइएगा तो डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ में आपको इसे यस करना होगा, तभी आपकी ओपन होगी, जैसे आपने वहाँ अंदर में भी यस किया था ऑप्शन को। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी का कोड चूज़ करना होगा, मतलब यहाँ पर टाइप करना होगा, जैसे 10004 मैंने टाइप किया विशेष ज्ञान कंपनी के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एल्ट कंट्रोल के साथ आप एस भी प्रेस कर सकते हैं सेव के लिए, या फाइल में जाके आप इस तरीके से सेव कीजिएगा। उसके बाद आप अपनी टैली ओपन कीजिएगा तो आपकी वही कंपनी ओपन होगी विशेष ज्ञान नाम की, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे में आप कंपनी टैली का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर नो लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर टैली का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट में टैली चलने लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं अपनी कंपनी को ऑटोमेटिकली ओपन टैली में। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।